Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds who want to excel in their respective fields. Today we are going to study the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. He was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, US. He died on January 29, 1963 in Boston in the US. His occupation was he was a poet and a playwright. He is known for his realistic depictions of rural life in New England. His notable works are A Boy's Will, North of Boston, and New Hampshire. He has won the Pulitzer Prize for Poetry and the Congressional Gold Medal. Through this poem, the poet wants to tell us that there are many ups and downs in life. Hamari zindagi mein bade utav chadhav aate hain. And small insignificant things are reason enough to uplift our mood. छोटी छोटी बातें होती हैं जब लाइफ में वो होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है. Next he says that nature is a permanent source of joy. It helps to uplift our mood, provides a healing touch and relieves sadness and depression. Next वो बोलता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनमें नेचर जो है एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. ये हमारे मूड को परमानेंटली जॉय में कन्वर्ट कर देता है. हम बहुत खुश हो जाते हैं जिससे हमारी जो आत्मा है वो हील होती है. जब आत्मा हील होती है तो ऑटोमेटिकली वी नो लॉन्गर रिमेन सैड एंड डिप्रेस्ड. हमारी डिप्रेशन जो है वो गायब हो जाता है. एंड लास्ट मैसेज दैट ही गिव्स इज One must always be optimistic in life and never lose faith. जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें आप फेस करते हो, you should never lose hope. You should never give up. You should always remain optimistic. जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखने हैं कि इस चैप्टर में 3 सिंबल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. These symbols are very, very important. जो लोगों की सोच है कि ये अपशगुन है, ये इस पोएम में बताते हैं कि जो अपशगुन होता है उसकी भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है, उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है. नाउ द फर्स्ट सिंबल इज़ द सिंबल ऑफ द क्रो. क्रो को अक्सर अ बर्ड ऑफ इल फॉर्च्यून माना जाता है. माना जाता है कि जब क्रो आता है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट. देन नेक्स्ट सिंबल इज़ द हेमलॉक ट्री. जो हेमलॉक ट्री है उसको एक पॉइजनस ट्री का दर्जा दिया गया है. उसकी जो सीड्स हैं वो बहुत पॉइजनस हैं. एंड द थर्ड सिंबल इज स्नो. स्नो जो होता है वो लाइफ में हार्डशिप्स का प्रतीक होता है. जब हम कोल्डनेस की बात करते हैं, जब हम स्नो आइस की बात करते हैं, तो दीज ऑल सिंबलाइज द डिफ़िकल्टीज इन आर लाइफ, राइट. अब इस पोएम में क्या होता है, अगर इस पोएम को देखें तो क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री पर आके बैठता है जिससे जो स्नो है वो डिसलॉज हो जाती है. द क्रो डिसलॉजेस द स्नो ऑन द हेमलॉक ट्री विच फॉल्स ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इट ब्रिंग्स प्लेजर टू हिज माइंड विच अंटिल दैट मोमेंट वॉज इन टर्मोइल. बड़ी सिंपल सी पोएम है कि क्रो आके ट्री पर बैठा, उसके बैठने से स्नो जो है वो डिसलॉज हो गई. वो डिसलॉज होकर नीचे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजर रहे थे और वो स्नो जो है वो उनके ऊपर आकर गिरी. अब इस चीज़ से दुखी तो वो नहीं हुए बट उनको बहुत खुशी मिली, उनके मूड में अपलिफ्टमेंट हुआ और उनका मूड इस पॉइंट तक बड़ा उदास था. बड़े उनके दिल में यू नो उतार चढ़ाव चल रहे थे. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम. सो वेन द स्नो फेल ऑन हिम इट कम्प्लीटली चेंज हिज मूड. तो यहाँ पे कन्वेड है कि हाउ नेगेटिव थिंग्स कम्बाइन टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव.
This poem is a very short poem of 8 lines. There are 2 stanzas. The first stanza is, "The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree." So he's trying to say that while he was walking by the hemlock tree, a crow on the tree dislodged snow, which fell on the poet. Now both the agents of nature, that is the crow and the hemlock tree, symbolize sadness, gloom and ill fortune. ये जो तीनों नेचर के एज ये जो दोनों नेचर के एजेंट्स हैं, दैट इज़ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही दुख, तकलीफ और यू नो हमारी बुरी किस्मत का प्रतीक बन जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ द स्नो फॉलिंग ऑन अ पर्सन वुड नॉर्मली कॉज डिसकम्फर्ट, राइट? बट ये जो स्नो थी जो पोएट के ऊपर गिरी, दिस वॉज द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मतलब पाउडरी थी एंड सॉफ्ट स्नो था, एंड दिस चेंज्ड हिज मूड, राइट? सो द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट व्हाट हैपेंड एंड द सेकेंड स्टैंजा स्ट्रेसेस ऑन हाउ इट चेंज्ड हिज मूड. सो ही सेज, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. इसमें वो कह रहा है कि उसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पोएट दुखी होता, बट डस्ट गिरने से, स्नो की डस्ट गिरने से उसका जो रिएक्शन था वो दुखी और ग्लूमी नहीं हुआ, वो बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया. द पोएट्स रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इस पॉइंट तक द पोएट वॉज इन अ सैड एंड ग्लूमी मूड. स्नो गिरने से पहले वो बड़ा दुखी था, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो अपलिफ्टेड हिज हार्ट एंड कॉज्ड a change in his mood from sorrow to one of pleasure and happiness. But जब स्नो उस पर गिरी तो उसका जो मन है वो अपलिफ्ट हुआ और उसका जो मूड है इट टर्न फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस. एंड द फ्रेज अ डे आई हैड ड्रीम्ड, दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फ्रेज फॉर द स्टूडेंट्स. इसका मतलब है कि वो इस पल तक जिस दिन को अफसोस मना रहा था, ही वॉज रिग्रेटिंग द डे, right? To this point he was not having a good day. So the meaning is very clear. A day I had dreamed means एक ऐसा दिन जो अब तक मुझे जिसके होने पे ऐसा दिन चढ़ा था कि हर काम उल्टा पड़ रहा था. This is the meaning of this phrase. So the gist of the poem is very clear. Gist का मतलब होता है सार. इस poem में आखिर में हुआ क्या? Simple है. The hemlock tree, the snow and the crow have negative associations, but the poet has used them beautifully to convey that inauspicious or negative things can combine to bring joy and happiness too. Zaruri nahi hai ki jin cheezon ko hum apshagun mante hain, negative mante hain, wo negative hi ho. Kai baar ye sari cheez judke bahut beautiful cheez ban jati hai jo hamare man mein badi khushi lekar aate hain. Lastly, the poem, you know, has the gist. One must not lose hope or fall into depression, but move on with happiness as we never know what may happen the next moment. Kabhi bhi haar nahi maanni chahiye, kabhi bhi udaas nahi hona chahiye, kyunki hame nahi pata hai agle hi pal kya ho jayega. So with this, we come to the end of the poem. Let us study the literary devices. The first literary device, which is the favorite of all students, is alliteration. But वो गलती कर देते हैं, वो repetition of the same word को alliteration मानते हैं, but this is wrong. Alliteration is the repetition of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected words. इस poem में alliteration is used in the lines has given my heart, the her sound in has in heart, and in the next line and saved some part. Saved me sir and some me sir. So that is where alliteration occurs. The next literary device is enjambment. Enjambment means when the same sentence continues on to the next line without the use of any punctuation marks. Ek line jab dusri line mein continue hoti hai and usme koi punctuation mark na aaye, usko you know rokne ke liye, pause dikhane ke liye, तब हम कहते हैं कि द लिटरेरी डिवाइस इंजैबमेंट हैज़ बीन यूज्ड. अब ये पूरी ही पोएम
इज़ रिटन इन द एंजैबमेंट डिवाइस. इसमें कोई भी पॉज नहीं है. इट इज़ वन कम्प्लीट थाट थ्रू आउट द पोएम. द थर्ड लिटरेरी डिवाइस यूज ओवर हियर इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है व्हेन समथिंग अपील्स टू अ सेंस ऑफ स्मेल, साइट, टेस्ट, टच और हियरिंग. जब हमारी ये फाइव सेंस ऑर्गन्स को कोई चीज़ छू जाती है, उस चीज़ को यू नो एक्टिव कर देती है, देन वी से दैट इमेजरी हैज़ बीन यूज. तो यहाँ पे विजुअल इमेजेस ऑफ अ स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री इज देयर एंड द वे दैट द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, हाउ इट डिसलॉजेस द स्नो. सो दीस क्रिएट एन इमेज इन आवर माइंड. द लास्ट पॉइंट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. पोएम की राइम स्कीम अगर हम देखें तो इट इज़ ABAB एंड CDCD, बट एक्चुअल में राइम स्कीम पोएम की नहीं होती है. इट इज़ ऑलवेज ऑफ द स्टैंजा, बिकॉज द पोएम इज समटाइम्स वी डिवाइडेड इंटू फोर लाइन्स, समटाइम इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एंड सिक्स. सो इट इज़ ऑलवेज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा. बट एनी वेज, इफ यू वॉन्ट टू सी द यू नो द जनरल विजन जो लोगों का है, तो पोएम की राइम स्कीम इज ABAB और एंड CDCD फॉर द सेकेंड स्टैंजा. अब ये राइम स्कीम कैसे बनाते हैं? वी टेक द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन एंड सी विद द विच वर्ड इट राइम्स विद. नाउ क्रो इज राइमिंग विद स्नो, तो क्रो को हमने ए दिया है, तो स्नो को भी हम ए ही दे रहे हैं. सेकेंड लाइन में मी है विच इज राइमिंग विद ट्री. इट डजेंट राइम विद एनी अदर वर्ड, तो हम मी और ट्री को सेम अल्फाबेट बी दे रहे हैं. सिमिलरली हार्ट एंड पार्ट डू नॉट राइम विद एनी अदर वर्ड, तो उनको हमने सी दिया है. उसके बाद आता है मूड, विच अगेन डजेंट राइम विद एनी अदर वर्ड अदर देन र्यूड, तो मूड और र्यूड को हमने डी दिया है. देयरफॉर द राइम स्कीम इज ABAB CDCD. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications, as I'm going to come up with several videos which will help you to revise and achieve your desired grades in the forthcoming board examination. Thank you so much for watching.